गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 100 के नीचे आ रहे हैं। शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर केवल 66 नए मरीज मिले हैं। खास बात यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 18,933 पहुंच गया है। इनमें 17,811 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 306 ही है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 816 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जाँच रोजाना 4,000 से 5,000 के बीच है। एंटीजन और RT-PCR की जांच में भी ज़्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं। यह बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच लगातार की जा रही है। शुक्रवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 29 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 13 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा राजघाट, सिलवाताल में एक एक, कोतवाली, शाहपुर, रामगढ़ ताल, तिवारीपुर में दो दो, कोतवाली में तीन, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 5 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 22 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रह्मपुर, पिपरौली, जंगल कौड़िया, सरदारनगर, कौड़ीराम और सजनवा में एक एक, खोराबार, उरवा में 3-3 और चरगावा में 10 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 15 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।